किसी गांव के एक आम लड़के का नाम आदित्य था। उसका दिनचर्या सामान्य था, लेकिन उसमें एक अद्वितीयता थी। वह हमेशा ज्यादा सोचने वाला था। वह अपने गांव के अन्य लोगों से अलग था, क्योंकि उसकी सोच और दृष्टिकोण हमेशा हटकर थे। आदित्य को स्कूल में भी अपनी अलग पहचान थी। उसके साथ ही छात्र खेलने या मस्ती करने में व्यस्त रहते थे, जबकि वह सोचने में व्यस्त था। एक दिन उसने एक रहस्यमय बुक में एक पुरानी कहानी पढ़ी, जिसने उसकी सोच को और बढ़ा दिया। कहानी उसके अंदर नई सोच और सपनों की ऊंचाइयों की ओर एक नया दृष्टिकोण बनाए रखने की महत्वपूर्णता को सिखाती थी। यह कहानी ने उसमें नई ऊर्जा का स्रोत प्रदान किया और उसने समझा कि सोचना हमेशा अच्छा होता है, परंतु उसे उस सोच को क्रियाशीलता में बदलने की आवश्यकता है। आदित्य ने अपनी सोच को अधिकतम उपयोग के लिए डायरी में लिखना शुरू किया और वह निरंतर नए और रोचक विचारों की खोज करता रहा। इससे उसका स्कूल जीवन भी बदल गया, क्योंकि वह अब दूसरों के साथ भी अधिक सहयोगी बन गया था। आदित्य की सोच का प्रभाव उसके गांव के लोगों पर भी हुआ। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई में सहारा देने का एक समृद्धि योजना बनाई और उन्हें नई सोच और सपनों की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा दी। आदित्य ने अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी सोच का उपयोग कैसे किया? यह एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि सोचना हमेशा सही होता है, परंतु उसे कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता होती है। आदित्य की कहानी गांव में धीरे धीरे प्रसारित होने लगी और उसकी सोच ने गांव को नए सृजनबद्ध रास्तों पर ले जाने में मदद की। गांव वाले भी उसके सोच और क्रियाशीलता से प्रभावित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने आदित्य से मिलकर उससे गांव के विकास के लिए सहारा मांगा। आदित्य ने एक योजना बनाई, जिसमें स्थानीय बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का सुझाव था। इस केंद्र के माध्यम से उन्हें नई तकनीकों का सामरिक उपयोग करना सिखाया जाएगा, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार होगा। सरपंच ने उसकी योजना को स्वीकृति दी और गांव के सभी लोगों ने इसमें भाग लेने का निर्णय किया। इससे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग एक साथ काम करके गांव को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए मिलजुए। आदित्य की सोच और क्रियाशीलता ने गांव को सख्त बना दिया। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी सोच को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।